सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस जो है आपकी स्पोर्ट सेवन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइस खुशी बहुत ज़्यादा है कि बहुत एक्साइटमेंट थी कि 1K हो जाए और मैं भी कुछ आगे ग्रो करूँगा। तो आपने इतना सपोर्ट किया और गाइस ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहें। और आज जो है हमारे गांव में शादी भी है, तो हम आपको शादी भी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और ऐसा ही प्यार दिखाते रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप वो तो कर देते हो। तो आप हमारे साथ बने रहें, तो अपने फैमिली के साथ ये व्लॉग जो है शेयर कर सकें। भाईचारा है, रिश्तेदारी, उसमें से मेरा व्लॉग सबको शेयर करें और लाइक। तो अभी जो है बंदे आ चुके हैं, धाम धूम बन रही है। ये हमारे चाचा जी। तो अभी अभी दोस्तों शादी का माहौल बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। ये देखो, तो अभी यहाँ पे खाना खुना खा रहे हैं धाम धूम। तो अभी हम जाते हैं ऊपर से, कुछ मतलब जो मामू वगैरह आते हैं दूल्हे के, तो वो भी आ रहे हैं। तो उनके लिए चाय वगैरह जो है वो हम ही करेंगे, उनके लिए देंगे। तो आप मतलब बने रहें यार, लोग मज़ेदार होगा, आप मतलब बने रहें। हमारे दूल्हे राजा ये देख सकते हैं आप। गाइस देखिए, यहाँ पे मामा जी आ चुके हैं, उनके लिए मिठाइयाँ बन रही है। देख सकते हो आप गाइस, तीन चार बंदे लगे हैं। हम देखिए, ये देखिए गाइस, ये बना रखे हैं उन्हें दो, ये तीन, और ये बंदा बना रहा है। देख सकते हो माहौल एकदम ओपी तरीके से बन चुका है। तो इधर आ चुके हैं सारे, देख सकते हो। जो था चाय चूई था, ये सब कुछ पिला दिया इनको। तो गाइस अभी हम बैठे थे इधर रूम में, तो इधर आईपीएल के जो ऑक्शन लगे हुए हैं तो उनको देख रहे थे। तो ये देख सकते हो आप। और गाइस जो सबसे महंगे बिके खिलाड़ी वो है हमारे ऋषभ पंत, और उसके बाद है हमारे श्रेयस अय्यर। लखनऊ सुपर जायंट, सोच सकते हो आप, इस बार तो आग लगाए। 26 करोड़ 75 लाख में पंजाब किंग्स। सोचो गाइस इस बार, अब जो केएल राहुल पे लगेगी वो तो अलग लेवल की होगी। तो शादी का कुछ माहौल बना नहीं है अभी तक, तो थोड़ी देर के बाद जो है बाहर जाएंगे और देखते हैं क्या बनता है। और रात के साथ जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, पर वो दिखाएंगे आपको कल। अभी जो मैं ब्लॉग एडिटिंग कर, तो ब्लॉग को करते हैं एंड, और जो बाकी का रहेगा वो कल के ब्लॉग में आएगा। जो बारात जाएगी या दूल्हे को दिखाएंगे वो कल ही दिखाएंगे आपको। तो अभी आप भोलेनाथ के दर्शन करके हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल के ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं कल के।